जानवर फकस रटन यह अजमूद अल जानवर इन तय पन नए नफसनी छठ तो कदन तुम्ल मुठकल जानवर ये अल्लाह का पहले शुक्र कि उसने हमें ये मौका दिया, फराम किया है कि हम ने आज इस हाई स्कूल बदरहर में योम पोइट्री के हवाले से एक अदबी प्रोग्राम का बच्चों का प्रोग्राम मुनक़द किया है यहाँ, जिसमें बच्चों ने भी हिस्सा लिया और इस हमारी ज़िला से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शोरा जो थे, शोरा और उदबा वो आए थे इधर। इस मैं हमारी सरपरस्ती अदबी मरकज़ कमराज कर रहे, ये जो ये महबूब उल आलम अदबी सोसाइटी राजवाड़ की तरफ से मुनक़द किया गया और इसमें हमें हाई स्कूल बदरहर का इश्तराक रहा है और इसकी सरपरस्ती ये कमराज अदबी मरकज़ जम्मू कश्मीर कर रही है। तो इसी ये जो योम पोइट्री योम शायरी जिसे कहते हैं उसी हवाले से आज हमने ये यहाँ प्रोग्राम मुनक़द किया है और इसमें हमारी इस ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम उदबा जिनमें पाशा जी हैं, फायक साहब हैं, ये है ये शाहिन साहब हैं, गुलामा मुडार साहब हैं और दूसरे बहुत सारे शोरा फया साहब हैं, दूसरे बहुत सारे शोरा और उदबा थे हमारे ज़िले से बाहर भी आए कुछ शायर और अदीब जिनमें जवा रमज़ान काबिल ज़िक्र हैं और लडूरा गुलामा लडूरा वो भी, और इसमें इस हाई स्कूल के तमाम जो स्टाफ है उन्होंने भरपूर शिरकत की है, भरपूर हिस्सा लिया है। जो कुछ भी इस प्रोग्राम के मुतल्लिक करना था वो हमारे इन रिस्पेक्टेबल टीचर्स ने किया है, मैं उनका तहे दिल से अपनी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उन शोरा उदबा का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आए यहाँ, जिन्होंने हमारे साथ अपना ये दिन गुजारा है, वक्त गुजारा है और मकसद ये है कि हम इन बच्चों की जो नशब नमा हो रही है ये तालीमी एतबार से हो, अदबी एतबार से हो या मजामीन या कुछ भी जो इनके इस टैलेंट के मुताबिक होता है, इनमें एक इंस्टिंक्ट पैदा करने के लिए ये प्रोग्राम हमने यहाँ जिसमें हमें ZDO ऑफिस से वो इजाज़त भी है मिली है, हम अपने जोनल एजुकेशन ऑफिसर के बहुत ही मशहूर हैं, उन्होंने भी हमें इसमें तावन दिया है और इन बच्चों का भी खुसूसन जो बच्चे दिन भर यहाँ बैठे
उन्होंने अपना भी सुनाया और शायरों का भी सुनाया, अदीबों का सुनाया, और कुछ नए टैलेंट, नए वो छुपे हुए जवर हमारे समझ, जिनमें से हमारे एक नौनिहाल शायर फारूक अहमद लोन साहब जो टीचर हैं वो भी उभर कर सामने आए। तो बस यही मकसद था हमारा कि हम आज इस दिन को इस और बच्चों में एक वो कल्चरल वो टैलेंट पैदा करने की कोशिश की।